अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज खान। गवर्नमेंट की पॉलिसी गंदम को लेकर और किसान को इस पॉलिसी का फ़ायदा अप्रैल में होगा, 3000 रुपये जब उसका रेट निकल आया तो उससे फिर अवामुन्नास को क्या नुकसान होगा और मार्केट में जो फ्लक्चुएट होगा उसका बेनिफिशरी फिर कौन होगा। जो आटे का थैला सरकारी सतह पर अवेलेबल है उसके रेट में 100 रुपये इजाफा कर दिया गया, चक्कियों पे जो आटा चल रहा है इस वक्त उसमें 3 रुपये इजाफा कर दिया गया, 112 रुपये केजी के हिसाब से, पहले 108 था अब 109 से 112 पे चला गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इन्हीं मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। आटा चक्की वाले इस पर क्या कहते हैं, आवाम क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इतना ढेर सारा आटा खरीद लिया, 20 किलो है ये, तो 10-15 दिन ही चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या, अभी तो महंगा भी हो गया, 112 पे चला गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 116 रुपये दे रहे हैं, उधर 100 रुपये थैला महंगा हो गया जो। हाँ जी, सरकारी आटा जो है ऐसे ही है, बहुत मुश्किल हालात हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और जो आम का है मिडिल क्लास है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो गरीब तबका जो गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है उसके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया मामला। तो बाकी चीज़ें भी कुछ महंगी हुई हैं या बस आप? नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है, सिर्फ यही नहीं कि आटा, बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और आम आदमी की दस्तरस से बाहर होते जा रही हूँ। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। तो ठीक है, गुजारा हो जाता है, अच्छा कमा लेते हैं? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, आटा छाटा जितना मर्जी महंगा हो जाए। नहीं, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, परेशान हो जाते हैं? डेफिनेटली, पेट्रोल महंगा देख के, आटा महंगा देख के, बिल्कुल ऐसा ही है। अमीर आदमी नहीं आप? मिडिल क्लास से तारुक करता हूँ मैं भी। अच्छा, तो बाकी क्या हालात हैं? बाकी हालात यही है कि बस एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए ज़िंदगी गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। क्या हाल है आपके? शुक्र लगा जी, ठीक ठाक। दुखी लग रहे हैं मुझे, बस दुखी हुकूमत की वजह से, मुस्कुराते चेहरे के साथ दुखी इंसान, बस फिर आप क्या नाम है आपका? नाजिम शाह मेरा नाम। नाजिम भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, तो क्या आटा छाटा? आटा छाटा बस क्या, मैं महंगाई है देख लें, लेने लगी हुई है, जो मिल भी रहा है वो भी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, गंदम मिल रही है वो भी महंगी है, उसे पिसवाने जाओ वो भी महंगा काम ही है। फिर आटा जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से सारे एक जैसे बने हुए हैं, मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान इस तरह चल ही नहीं सकता जो है ना, बस वो कौन मिल गया किसके साथ खेल है बस ये, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान को बनाने वाला कोई भी नहीं आया। आप कितना कितना कमा लेते हैं दिन में? कमाना क्या है, जो कमाना है वो गैस पे लगा देते हैं, 280-290 रुपये किलो गैस है, वो कोई सवारी किराया नहीं देती, फिर आटा पूरा करेंगे कि बच्चों को पालेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। अच्छा। हाँ जी, हर चीज़ को आग लगी हुई है, कोई चीज़, बस अंडा है वो 20 रुपये का तो अंडा हो गया है, अभी गर्मियाँ हैं, सर्दियों में ये मेरे हिसाब से जो है ना 30-40 के ऊपर ही जाएगा। 35 का अंडा हो जाएगा? 35-40 का हो जाएगा एक अंडा। एक अंडा तो गरीब आदमी ने अगर अंडा भी खाना तो वो भी 13 दफ़ा सोचना है। देखा है जो लोग मजदूर तबका है हमारा भाई, वो उनका गुजारा ही अंडों पे है, अब तो अंडे भी महंगे हो गए क्योंकि वो कहते हैं कुछ नहीं तो प्याज अंडा भून लेते हैं, दो बंदे खाना खा लेते हैं, ऐसा ही है ना? ऐसी तरह ही है, इसी तरह ही है, हर चीज महंगी है, घी क्या। अब तो आप हरी मिर्च लेने जाएं तो अंडे में डालने के लिए वो पता नहीं प्याज कहाँ चला गया, टमाटर नहीं डाल सकता, पाव हो गई है जी 40। अब देखिए ना, अंडा जो अंडे को आपने 2-3 अंडे भी बनाने हैं तो 3 अंडे कितने के हो गए? 60 के हो गए। 60 के हो गए ना जी। प्याज डाल लें बीच में? प्याज डाल लें। अच्छा, बीच में आपने प्याज कौन सा सस्ता मिल रहा है एंड पे है। हरा धनिया भी ऊपर, हर चीज हो गया ना, सारी बात है। टमाटर भी डाल लें आपने, मिर्चें, घी में करना है उसे जी, भूनना है, पकाना है, यही बात। आपने कहना है कि यार ये बंदे 3-4 ज्यादा है, आलू 2-3 और भी और चीज डाल। हाँ जी, जारी बात है, कोई ना कोई चीज देखनी है कि यार जो रहता है वो डाल लें बीच में, चलो गुजारा हो जाए। जरा आलुओं से जरा आलू अंडा बन जाए, आलू अंडा बन जाए, अंडे की भुर्जी, ये बात है जी, इसी तरह ही। बहुत सारे दोस्त जो हॉस्टलाइड है वहाँ तो मैस में रूटीन है भाई, यही बात, आलू अंडा की, आलू अक्सर अंडे की भुर्जी, यही बात है। फिर बस क्या है, बस इन्होंने कह दिया कि गरीब आदमी कोई नहीं रहेगा पाकिस्तान। मैंने और आपने जो मिल के 3 अंडे पकाए हैं उसमें कितना खर्चा आया? चले वो बाहर से तो अगर 100-150 आ जाएगा, अगर बाहर से लेने जाएंगे 200-250 लग जाएगा।
पक्का पकाया लाएंगे वो 200-250 में आएगा। वही अंडा था 6-7 रुपए का। बिल्कुल हाँ जी, 3.5-4 रुपए का अंडा था सब पहले, और वो फिर 8 रुपए पे गया, फिर 10 पे गया, वो 20 पे चला गया। अब 20 35 पे चला जाएगा सर्दी में। अभी गर्मियां हैं, खाने का वो मतलब कि वो कोई नहीं पता नहीं, 43 रुपए का अंडा हो जाए भाई, 50 में भी जा सकते हैं पाकिस्तान। एक अंडा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक दुकान है उस पे 20 रुपए की चीज बिक रहे हैं। आप कभी अक्सर मार्केट फिरते रहते हैं, कोई रेट रेगुलेट करने वाले कोई भी नहीं है? पैसे दे जो रेट को क्या करना है, आप पैसे दे दें चुप चुप कर जाएंगे, वो चले जाएंगे अगली दुकान पे चले जाएंगे। वो तो खुद कहते हैं भाई मंथली लगाओ, मंथली लगाओ। गवर्नमेंट ने क्या करना, गवर्नमेंट तो ऊपर बैठी हुई है, जो नीचे है ना जिनका शोभा है, जिन जो अफसर हैं वो खा रहे हैं, वो फिर जाते जाते ऊपर पहुँचा रहे हैं। ये बात है, कोई दुकान पे कोई रेट, आप यहाँ से चौक तक चले जाएं, आप कह रहे हैं एक रेट कोई भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि महंगाई भी है लेकिन मसनू ही महंगाई भी है, यही बात खुद से जो। हाँ जी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, पूछने वाला क्या है, आपको बता तो रहे हैं, जो अफसर है वो पैसे खाए जा रहे हैं, ग्राहक का मुंह देख के फैसला किया कि इससे कितने लेने हैं। हाँ जी, बस कुछ सादा सा नजर आया तो उसे कहा, देख लिया कि ये मतलब के अच्छे हो लिए, मैं उसको ज्यादा लगा दिए, जो माड़ा है कमजोर है उसको 5-4-2 रुपए रहता। आप कह रहे हैं ठगी की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं, ये भी एक ठगी में आ गया कि यार देखो इसका चेहरा किस तरह का। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर कोई ऐसे करता है तो वो भी वहीं आ गया, वहीं आ गया। बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, साहब जो है ना बड़े अफसर, ये जो चेकिंग वाले हैं ये खाई जा रहे हैं माल ना यार, इल्जाम ना लगा, इल्जाम क्या, नफीस लोग हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से, आपको भी पता है अभी मार्केट में ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो तो आपको भी पता है, आप भी कईयों को पकड़ते हैं ईमानदारी से, आप कईयों को पकड़ते हैं कि भाई ये देखो अफसर क्या कर रहा है, ये माल खा रहा है पैसे आपका, हम शो देखते हैं और मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ, क्या आप अच्छी चीज पे जो लाहौर न्यूज़ भाई आपका है, आपका चैनल, यही बात है हमारा ही है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं मगर पाकिस्तान में रहने वाला हाल कोई भी नहीं, बस अपने आप पे ही, बस आपने जितना चलना है चलना है, कोई चलाने वाला नहीं है, मुल्क को चलाने वाला कोई भी नहीं है, हर किसी का रेट जो अलग अलग ही है, 10 दुकानें यहाँ से चले जाएं, 10 का रेट अलग अलग ही है, जिसको आपने पूछना भाई ऊपर से महंगाई हुई है। आपके बयान तसल्ली से कोई सुन ले, सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट कर दे तो आधे मसले हल हो जाएं। भाईजान कोई भी नहीं सुनेगा, ये पाकिस्तान है, मैं कह रहा हूँ आपका हुक्मरान है, इनको गालियाँ भी दे ही जाए, मैं कह रहा हूँ वैसे बात कर रहा हूँ आपको, मैं मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं, अच्छा दे नहीं रहा, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारा जहन ऐसे बन चुके हैं, कोई गालियाँ दे रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बातें कर रहा है तो करने दो, कोई बुरा कह रहा है तो कहने दो, उन्होंने किसी के कान नोटिस नहीं लेना किसी ने ना, उनको जो मर्जी कही, जो उन्होंने अपना काम ही कर, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है? नाजिम शाह। नाजिम भाई आप कह रहे हैं कि वो दौर नहीं है कि नाजिम शाह की बातें सुन के पूरी पॉलिसीज हाई अलर्ट पे चली जाए, ना ना ना, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, कोई बात ही नहीं है ऐसी, कोई बात नहीं, बातें उन्होंने सुन लेनी है, गालियाँ अगर कोई निकालता है पहले तो हम अल्लाह माफ करे निकालते नहीं है, कोई निकालेगा उन्होंने वो भी सुन लेनी है, उन्होंने नहीं कहना कि यार लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं हम सही कर लें अपने आप को, नहीं, उनका सुई वहाँ पे ही अड़ी हुई। जली कटी बातें नाजिम भाई की आप सुन रहे थे, आए मेरे साथ, ये भी भाई साथ इधर, क्या हाल है भाई, क्या नहीं था जी है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? हालात तो आंखों में आपके धुआं जा के ना। हाँ जी बिल्कुल जी, सारा बस आपको दो दो नजर आना है, आप पैसों के अलावा बाकी सब दो दो नजर आना है, पैसे आधे नजर आने पैसे तो जो पास है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं ना, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हालात इतने टाइट हो गए हैं कि बिल्कुल गुजारा करना मुश्किल हो चुका हुआ है ये पिछले 3-4 सालों के अंदर। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। अच्छा, मार्ट, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारा रिकवरी का काम होता है, बिजली से खेलना भाई, नहीं इंस्टॉलमेंट का काम है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं समझा इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है हमारा, ये बिजली बेचते हैं बिजली तो बेचने वाला इस वक्त वही पता नहीं, प्राइवेटली बिजली भी लोग बेचते हो, बिकती है भाई, बेचते हैं बिल्कुल, मार्केट में बेचते हैं, वो सोलर सिस्टम लगा के बहुत सारी जगहों पे है ऐसी ही है। तो बाकी सब ठीक है? बाकी बस अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ हर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे आप परेशान परेशान लग रहे हैं आज, परेशान हर बंदा परेशान है, जिसको तुम जोड़ेंगे वो परेशान है, आप मुझे क्या, हर बंदा ही परेशान है, कोई नई बात तो है नहीं, हर बंदा, मैं मेरी ये लाइफ मैं देख रहा हूँ कि ये 2-3 सालों के अंदर
जिस बंदे से पूछो, चाहे वो ऊपर लेवल का है चाहे उससे ऊपर लेवल का है, हमारा जो काम है हमें हर बंदे के साथ मिलना होता है डेली में। हर बंदा परेशान है, कोई बता रहा है कोई नहीं बता रहा है, किसी में हिम्मत है बताने की किसी में नहीं है। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हर बंदे का पर्दा रखे और बस सब्र शुक्र अदा करे। क्योंकि पहले थे अगर ये यार वो आदमी सही है ये सही है ये सही है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही, हर आदमी हो गया। जैसे मैं सुबह नमाज पढ़ कर फजर की मैं बाहर निकला हूँ तो दो बुजुर्ग बड़े आदमी यानी कि वो इस चौक में खड़े हुए और ये बात कर रहे हैं कि जी ये हो गया महंगाई सीधी हो गई, कारोबार है कोई नहीं। यानी कि एक बुजुर्ग 60-70 का वो टेंशन में पड़ा हुआ है, 60-70 का, मेरी भी 55 साल उम्र है तकरीबन। वो मैं अब ये कह रहा हूँ कि इस पर घर का खर्चा चलाएं कि बिजली के बिल दें। हम पिछले महीने 12.5 हज़ार मेरा आया, अब के मेरे को 10.5 हज़ार आया, तो मैंने नहीं उतारा क्योंकि मैं रेडी चलाता हूँ, लस्सी लगाता हूँ, मेरे लस्सी चाटी वाली लस्सी जी सर। अब मैं वो लगाता हूँ, माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, मेरा रेंट का मकान है, मैंने बिल्डिंग दिया। अब अगला उस पर क्या है हो गए उनके दिल के जितने थे ख्याल वो सामने आते हैं, जिनके तार छिड़ गए, तार छिड़ गए हैं जी उनके, तो ऑटोमेटिक छिड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक छिड़े हुए हैं। महंगाई है, आटा महंगा हो गया है, क्या करें गरीब लोग। आटा नहीं भाई, हर चीज़ महंगी है। मामूली मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ, मेरी 22,000 सैलरी है, मेरी 22,000 में सैलरी में मेरा कुछ नहीं गुजारा नहीं होता। कोई तो है ना पूछने वाला, ये तो काम प्राइम मिनिस्टर के चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर शिवाज ये कुछ काम करे, आटा सस्ता करे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बत्ती का बिल महंगा करना है, बस सर जी लाइट का बिल महंगा, 21,000 रुपया बिल लाइट का है, 21,000 रुपया बिल लाइट का। जो कर दिया जो करना था उन्होंने बिल बढ़ा दिए, तीन महीने का, 3 महीने आवाम से निकाल लें, वो आवाम से निकाल लें, आवाम मर गई, आवाज सही होंगे ना गरीब लोगों के, टैक्स भर भर के आवाम मर गई है, फिर नजर कुछ नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? असद। क्या करते हो? माने ते काम करन आने हैं, दरोगे लवाए जरा काम करन। अच्छा, अपनी दवाइयां ही खातर इथे कमान आ रहे हैं, भान सिर ते पियो दा असर नहीं गा, साली घर दे विच भान की कमाया जा रहा है, ये जो कमा रहे हैं 500 रुपया है बस, इतों दिहाड़ी लभदी पई मैनू, इतने भान कमान आ रहे हैं 500 रुपये के नाल हुण घर दा खर्चा पूरा करिए कि भान इधर आटा चीनी भी लियानी पैंदी है, तो हूँ इतने मेरी दवाई लगी है वो भी एड्डी महंगी हुई भान, वह भी नहीं खसरा पूरा हो रहा। दवाई किस काम की? भान धमाकी मरीज है भान। क्या हुआ तुम्हें चंगे भले हो? नहीं, मिड़की का मसला, मिड़की पड़ती। हाँ जी भान। कब से? ए भाने जरा शार्ट लगा ही ना दिमाग से, असर पै गया था, बिजली लगी। हाँ जी, ओदी वजह जहां लगा था। कब? इधर हो गए। क्या हुआ था? है इको दम भाने जड़ा ना करंदे बीच ना लगे से ना। किस चीज कुछ आप? हाँ जी। किसको छू बैठे हाथ? किसको लगा? करंट वाला हाथ नहीं है, उथे ही लग गया ही, कार दे बीच ही लग गया ही, मुड़गियां फरते फरते ना उंगलों के बिच दे दी, तार को पकड़ लिया था तो उसके साथ ही लग गया, तो ये करंट के हिसाब से ये कितनी देर बीमार रहे? सुबह करंट लगा तो अच्छा, दवाई लेने जाते हैं 1,000 रुपये की पाने दवाई पै, 2 दिन बाद दवाई दा 10 रुपये अरे ये की करिए। कहाँ से आप कमा पूरा करते दवाई? इधरों पान आने 2 नंबर गली के बिच। पूरा पैसे कहाँ से दवाई के पूरे करते हो? करना पैंता ना, एक बड़ा भरा है वो कमा रहे हैं तो सिर तो प्यो का असर कोई नहीं है, अभी आप ही कमाना हों जो कमाया घर वास्ते कमा रहे हैं माँ है। कभी ऐसा दिन भी आया कि दवाई ना खाई हो? दवाई जिस दिन ना खाए तो सड़क पर डिगना पैंता भान, दरोगे वाले भी डिग पा जिते मर्जी डिगना पै रहा मैं, ये दवाई तो बड़ी महंगी आ रही है मेरे, अभी दवाई नहीं मैंने यही दवाई हमेशा खानी पै रही है, ये दवाई का असर ना पवे तो भाने मैं हूँ भी डिग सकना जिते मर्जी, हूँ उधरों दवाई खत्म हुई तो भैन वाले जा रहे हैं जरा इस तरह काम कर रहा। बाजी क्यों क्यों जा रहे उधर? कोई गल नहीं, भैन का थोड़ा ना असर आंदा ना, भैन को पैसे मांग ली थी ना थोड़े दाड़ फाड़ ली। बड़ी बाजी है? हाँ जी, उन्होंने विवाह हो गया ना तो इधर आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप बाजी के पास जा रहे हो? हाँ जी, तो जरा इधर भी कह ले मैं शायद उधर चले। बड़ी माए बड़ी बाजियां तो माओ बजाए ना, माओ की तरह है तो कर ली थी, जरा इधर भनोइए को थोड़े फाड़ ली थे आते हैं ना, थोड़ा एहसास कर दें उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे अब ये बताए भाई कि आप कितना कमाते हैं अपना जाती? 500 एक दिन में? 500 पक्का। 2 दिन का 1,000? हाँ जी। उसकी दवाई? हाँ जी, 2 दिन की दवाई आती है 1,000 की। तो बड़ा भाई कमा रहा है तो वो घर में राशन आ जाता, यही हाल। आप बस अपनी दवाई पूरी कर रहे हैं? हाँ जी।
घर से भी गालियां मिलती हैं कि कमाना की ये करता है वो करता, फिर ये बिस्ती हो रही सारी पास भाई डांटता। हाँ जी, वो भी कह रहा जरा सही अच्छी नौकरी से लगो, जरा पढ़िया लिखे बंदे मिलती नौकरी पाने। पढ़े नहीं थे आप, गए स्कूल नहीं गए? नहीं जी। क्या हुआ, क्यों नहीं गए? पानक कौन देगा पैसे जो पढ़न वास्ते, भी ये भी पैसे लगते सी ना छोटे होंगे, फिर माँ ने छोटे होंगे काम से पवाता। अम्मा किधर हैं आप? इधर हो गए ले। तो आप अम्मा की खिदमत खुदमत भी करते हो? हाँ जी वही करते हैं। या स्लीपर ही खाते हो अम्मा से? नहीं नहीं। मारती नहीं है? कौन अम्मा स्लीपर नहीं मारती? नहीं मम्मा ना। प्यार प्यार के? प्यार दा सिर्फ माँ का प्यार है बस। ओना नहीं दुआवां दे नाल पाणे डेडे हो गए हैं बस। नहीं तो कुट कभी नहीं माँ से पड़ी? नहीं। क्यों? प्यार दे नाल ही रहे। शरारत नहीं की कभी? नहीं ऐ करदे काम माँ दा, बस जाके हुण इत्थों जावांगे जिस दिन कल घर जाणा, माँ दीआं पहले लत्तां नूं फड़ना, माँ नूं कुटना मुटना, फिर माँ को उठना, रात नूं रोज़ दुद्ध लैके जाना पैंदा। माँ भी पी ले सारे, असीं पढ़ा पी लैने, पंज पढ़ावां असीं, छोटे ने बाकी उन्हां नूं पढ़ा रहे हैं, वड्डा पढ़ा पढ़ा रहे हैं, करदे पे उन्हां दे ही काम करदे पे हैं जी। बाकी जो करना हूँ आटे का भी वेख्या, माँ लैन च दो तीन घंटे लगती है, उतो घ्यो चीनी जरा 100 रुपये सस्ता मिल जाता, उत्थे बड़ी डेढ़ खलौना पै गया हूँ। उत्थे घर के माँ करती भी है कि आटा पा लवे या चीनी, वो सूट माँ कर लें उधर का कम, माँ हूँ कम नहीं अं कर दे रहे माँ को, माँ कहती मैं बहर जा कि कम कर लें, अभी माँ को कम तो नहीं लवा सकते, ये गल हैगी हूँ चले बनवाइए घर, जो उधरों मिलेगा उनकी दवाइया का असर पूरा हो जाएगा मेरा। दिमागी मरीज नाल दा मसाया सी जिहड़ा कहने उन्हें कहा कि मैनू ना जरा ना मैं अपना दिमागी का वो असर बनावा के लै गया, मैं उन्दे को गया तो उन्हें भी जवाब दे दिता बाद नहीं बनाया कुछ, वो बनवाया वो बड़ा महंगा बन गया तो वह भी नहीं असर पाया, कुछ भी नहीं मिले फिर बाद। नाम पूरा क्या? असद। असद भाई, असद भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। माजी के लाज जरा देख लें। मेरा पुत्र पिंडी धक्के खान गया है 500-600 रुपये पिछे, इधर जेड़ा है ना 10,000 रुपया मकान का किराया, इन्हे ना बिल सुई गैस इन्हे ना बिल आंदा किराया पर रोटी, इन्होंने बिलों ने सानू खा लिया, रोटी नहीं लभदी पई, की करना आटा तो इन्ना महंगा कर दिता इन्हें, किधर जान, एक जना कमान आला होगा इन्ने जने खान आले हो कितने जान गए, बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो अपने जैसे ये बिल दो, बिलों तो बहुत तंग आए हैं, अपने किराया नहीं छोड़ा जो गवर्नमेंट के अंडर है उनके हाँ मैंने दसो आप भुखो ना अंग बच्चों का ना कोई पढ़ाई ना कोई मुफ्त बिल ना लै, एक एक दो जी ने कमान आए होंगे ने, दादा जी ने खाने वाले होंगे, किराए वाले सानू तंग करते, बिलों वाले सानू तंग करते, किराए वाले कहते वेला करो वेला करो कितने जाइए, बच्चों के नहीं जगह पगे तो बदनामी है, हाँ आप ए सी चला चला के कहते नहीं अद्धा बिल दो, बिल अद्धा बिल दो कहते ने बार बार, फिर किस तरह गुजारा किस तरह हो रहा है? कोई गुजारा नहीं है, वे अवे ना रात नू रोटी खानी हो, ऐ वेख रात नू रोटी खानी है, एदे ना रोटी खानी, एदे ना रोटी ना खानी रात नू, की करिए खीरे ना, खीरे ना चटनी ना गणा, की करिए एदे ना रोटी खाओगे, ओंदा चटनी ना खाने की करिए, कित्ते जाइए, कोई दाल गोश्त सब्जी कुछ नहीं, पुत्तर 800 रुपया लियाना उन्हें 15 दिन बाद आना है, वो बिल किराए सिर ते चढ़े होंगे ने, रोटी कितों खाइए, बुजुर्ग हो तुहानू ते फलां दी भी जरूरत है, फल फूल खाने पैणगे, ब्लड पेशेंट है, कितने जाइए कितने जाइए, कोई रस्ता दे दसो ना, कोई इहदी चटनी बना के रोटी खाओगे, सलाद बनावा नाल चटनी पी सकदे, पूदने दी किन्ने बंदे दी रोटी है, 6-7 जने ने खाई, इसे नाल ही इसे नाल दोपहरे की खादा जे, पहले कुछ भी नहीं सुबह नाश्ता किया, की खादा नाश्ते, रात दी रोटियां पईयां हैं सी, दाल पई सी उन्हें ना खाने, चने दी दाल माश दी, चने दी वो खा ली, माश दी दाल 75 रुपये दी पा है, माश दी दाल आ तुसी मन दसो जे किलो पर दसो कित्थे जाइए,
पूरे बाजार नू मेरा पता है रजाइया रजुइया पेंदे रजाइया सींदी सी कभी तेरे को ले कभी मेरे को ले हूं अगले कहते आ बाबा धार कितों जाइए माई तेन कितने जाइए दस सुने तुम दसो रस्ता कड़ा है उधर तुर पैने मेरी बेटे 42 साल सरबत सुपर देना 42 साल बाद उन्होंने कटता कि ताली ताली 63 साल उम्र होगी चले जाओ या तो दैर तो टीके लान मार दिन जो 60 साल का हो गया चाहिए घर घर झाती मार जाके गरीबा दे 12-12 हजार रुपया निगाह मारे बंदे भेजे किराया नु रोके के ना लवो किराया जिन्ना चिर महंगा कर छोड़े आटा महंगा कर छोड़े और की चीज आ गई है यहाँ पे किसी को आटा नहीं मिल रहा। आज 4 दिन हो गए यहाँ आटा किसी को नहीं मिल रहा। इन बच्चों को कहाँ से खिलाएं हम लोग? इतनी महंगाई आप लोगों ने की हुई है, क्या मसला है? कोई मसला है? हमको खाने को तो दें, महंगाई तो महंगाई होती है, खाने को तो दें, रोटी तो दें। घी नहीं है, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, किस किस को हम खिलाएं? जिस घर में हैं क्या करें? किराया दें, बच्चों की तलीम हासिल करें, क्या क्या कह रहे? ये जब का ये लोग आया, ये आया, इसने लोगों को गरीबों को चाट ही लिया, खा ही लिया। इसको आनी चाहिए, ये गरीबों का खून चूस रहा है। कहना ये गरीबों का खून चूस रहा है इसको कि हम लोग मर रहे हैं। ये देखो हमारा लिबास देखो, ये हमारा लिबास देखो कैसे है। हम खाएं के लिबास में नहीं, क्या करें ये? इन लोगों को आती क्या? गरीबों को खाने को तो दो। 100 रुपये किलो चीनी, 200 रुपये किलो वो चावल बिक रहे हैं, कहाँ से हम लोग खाएं? चने की दाल है वो नहीं खाई जाती, आलू है वो नहीं खाई जाती, 80 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, 100 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, क्या से खाएं हम लोग? क्या ना करें ये मैं कहती हूँ ठीक है, इसको हमारी हुकूमत ने बिठाया हुआ है, हमारी बिठाया हुआ है, लेकिन ये कुछ को कुछ आनी चाहिए कि ये गरीबों का ना खून चूसे। ये अपने इतनी इतनी की हुई है, इतनी की हुई है सारी वो एसीओ में हम लोग पंखे नहीं चला सकते, बिल हैं वो नहीं भरे हमारे से दिए जाते। नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद जी। बशीर अहमद कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा मेहनत मजदूरी करके आया हूँ। मेरा 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरा पेट्रोल ना बचा हुआ है, अभी तक नहीं मिला, मैं किससे फरियाद करूँ? 22 साल का मेरा बेटा है, किसी ने मुझे नहीं मिल, कभी कहीं से नहीं मिला वो। कहाँ से लापता हुआ? मैं क्रीम पार्क से। नशा तो नहीं करता था? नहीं, कंप्यूटर का मास्टर था वो, कंप्यूटर का काम करता था। कब उठाया गया? ये 6 साल हो गए हैं। पुलिस वगैरह से रापता नहीं? कुछ किया, पुलिस को किया, बाबियों के पास भी गए, सर के पास सर। क्या नाम था बेटे का पूरा? वलीद अहमद। आपका पूरा नाम क्या है? बशीर अहमद। और कहाँ से उठाया गया? करीम पार्क से। किसने उठाया? पता नहीं यार, दोस्तों ने उठाया या किसने उठाया, बहन के लिए नाश्ता लेने गया था। 6 साल हो गए जी सर, वापस नहीं आया? नहीं आया, मैंने हम कहीं हर जगह गए हैं, थानों में गए हैं, हर जगह पे गए हैं, वजीर आला तक गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, कोई कुछ भी नहीं पूछता। मेरी बेगम दिल की मरीज हो गई है, वो उसको ना कि चल नहीं सकती, वो अपने बेटे की तस्वीर लगाएगी, उसने तस्वीर को देखती है रोती है वो। मैं 20,000 रुपये 18,000 रुपये तनखा लेता हूँ, पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ मैं, किराए के मकान में रहते हैं हम।
सब्जी देखे, सब्जी 80 रुपए किलो पालक हो गई है। आटा कितना खरीदते हैं आप? आटा हम कितना 5 किलो हफ्ते का लेते हैं हम। तो महंगा होता जा रहा है? महंगा तो होता है कि क्या करें फिर, हम मजबूरी है कि भूखे आगे पहले ही मरे हुए हैं तो और मर जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं ले पाते? 5 किलो लेते हैं। हम तो नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं हम। मेरी बेगम 1500 रुपए की हफ्ते की दवाई आती है। नवाज शरीफ का कोई जुर्म नहीं है, इन्हें करवाया रहा देनियां सारी जिंदगी। की होया? बस पुत्र है कोई, मां कहेगी होया की या होया की वजह भी तो दसो। मंगियाई घर छड़ी सारी फर्क है, मंगियाई कीती है, हर चीज लेन जाओ 100 तो घट नहीं मिलती पई है। गरीब की कावे ते की रखे। आटा तुसी किन्ना कट्ठा खरीदते हो? की खरीदने 10 किलो दा तोरा लेन जाने आ ते ओ कहंदे ने हुण ते 20 किलो दा लेन ला पए आ ना, चलो 4 पैसे बच जान। ओरे विच भी नहीं बचन बचत हो रही पुत्र, बड़ा बुरा हाल है ना साडा के। तो और ते मेरे कोल कोई लफास ही नहीं हैगा। इस वक्त मलिक अदरीस मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे आटे की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, आटा डीलिंग में भी एक्सपर्टीज़ हैं, दीगर मामलों में भी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ये जानना है कि 80 तकरीबन 100 रुपये जो फ्लोर मिल ने आटा बढ़ा दिया और 3 रुपये आटा चक्की वालों ने आटा बढ़ा दिया, अब 112 रुपये आ गया पर किलो पर के जी। क्या ये हुआ क्या बेसिकली? सर एदियाँ वजूहत तो कई गई हैं, मगर असी बेहतर नहीं कह के थोड़ा जहा प्रीवियस भी चले जाइए। मौजूदा फसल जड़ी चल रही है जड़ी ऑनवर्ड मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है जी, इस फसल नो स्टार्ट ही जी पहले तो खादा नहीं सी मिलियां। अगर तुम याद हो तो लोगों ने खादा के ट्राले लुटे सी, मगर खाद फिर भी नहीं सी लभी ना, साड़ी फसल नो खाद मिली ना, मौके पर पानी मिलिया और मौसम ने भी थोड़ी जी ज्यादती की, गर्मी कबल इस वक्त शुरू हो गई जिदी वजह ना फसल की जी आउटपुट सी वह पूरी नहीं हुई। जेरा किला कणक का सन देता सी ना 60 मन, उन्हें दिती 45 मन, जेरा किला सन देता सी 45 मन वह आ गया 25 मन पर, वजन घट गया, टारगेट पूरा ना होया, एक तो यह वजह बन गई, ठीक है जी। वो बाद असी आ जाइए सैलाब वाल जरा यकदम इजाफा हो, फिर साढ़े जोड़े सिस्टम है ना उस सिस्टम के बीच पूरा इन्होंने श्योर नहीं किया अपने स्टॉक न अपने मामलात को, जिदा जिथे दिल आया वो रख के करी गया। फिर जी सबसिडी इन्होंने दी, हूँ कल मेरी एक दोस्त ना गल हो रही थी, वो कहते सी दरीस सानू कणक का मोड कोटा मिलना सी 15 सितंबर को, कहता जरा 3 महीने तो शुरू हो गया है, कहते माल किधर गया, कहते सारा खा पी गए। ये नहीं बात समझ आई कैसे? जरा गंदम का सरकारी कोटा मिलता ना मिलना वो मिलना 15 सितंबर को, वो मिल गया 4 महीने पहले सबसिडी की शक्ल च, फॉलो किया कि नहीं? जेरा आटा सानू मिलना सी जेरी गंदम सानू मिलनी सी 15 सितंबर नू, हमेशा थ्रू एनजी होंदा है जेरा फूड डिपार्टमेंट है वो 15 सितंबर नू ही कोटा जारी करदा है, मगर वो कोटा इन्होंने 3 महीने पहले जारी कर दिता नवी हुकूमत ने अपने सिस्टम नू सीधा करन वास्ते, सबसिडाइज आटा देन वास्ते जेरा 890 रुपये का तोड़ा इन्होंने किया। 3 महीने जेरे कणक दे गए वो भी स्टाक दे विच आ गया, अगर इन्होंने दिसंबर तक कणक ना मंगवाई तो आटा नहीं जो मिलना, दिसंबर तक आना जरूरी है। अगर कणक ना आई साड़ी कितनी चाहिए होगी? सर वो तकरीबन 30 लाख टन दा इन्होंने किया है। तो सैलाब से कितना मुतासर हुआ? तो सर जी गवर्नमेंट की ऑफिशियल बोर्ड है वो कोई नहीं गई, जबानी जमा खर्च हैगी, कोई कहें 1 लाख टन रुड़ गई, कोई कहें 2 लाख टन रुड़ गई है, मगर ये कोई कन्फर्म नहीं जाएगा। आपका जाती क्या ख्याल है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है? सर गंदम का एडा वड्डा नुकसान नहीं होया जिड्डा वड्डा नुकसान जेरे स्टाकिए नू दे रहे ने। ये नहीं बात समझ आई। परसों जो साड़ी गल हुई फकीर वाली मंडी, मैं क्या साहब
ਮਿਲਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਾਕੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 4000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ 4000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਰ ਕੇ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ 122 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਆਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਡਬਲ ਆ ਗਏ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਐਂਡ ਪੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਿਤਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਸਰ ਇੰਤਹਾਈ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਆਉਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 3000 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1800 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਸੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਪੇ ਆਪ ਅੱਛੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸਸੇ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਔਰ ਵੋ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਯੇ ਕਿਉਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਸਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਕਹਾਂ ਹੋਈ ਕੈਸੇ ਕੋਈ ਨੇਕਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਲਬ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ 105 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ 120 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟਾਕੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਕੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 3400 ਰੁਪਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਜ ਸੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਜ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਭੀ ਗੰਦਮ ਕੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਲ ਗਈ ਗੰਦਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਚੱਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੰਦਮ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਸਾਰੀ ਸਟਾਕੀਆਂ ਕੋ ਸਟਾਕੀਆਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਣਕ ਲੈ ਲਓ ਬਲੈਕ ਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਟਾ 112 ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੜਾ ਸਟਾਕੀ ਹੈ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰੀਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੀਉਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀਲੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਾਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਹੁਣ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਸਰ ਲਾਹੌਰੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਛਾ ਆਟਾ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਸਟਮਰ 1500 ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਮੁਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ 300 ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹਾਂ ਸੋਰੀ 3000 ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ 3000 ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਲਈ 3400 ਤੋਂ ਅਬਾਵ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਤਾਂ 3400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ
बिजली के रेट ताडे सामने ने, जेरे बिजली के नवे रेट है वो भी ताडे सामने, बिजली के जेरे मामला देगे ने वो भी ताडे सामने। आज के दिन आप स्टॉकिए के पास जाएं फर्ज करें, हाँ जी, तो वो कितने में आपको देगा गंदम, क्या रेट मांगेगा? 3400 रुपये मांग रहे हैं। 34 हाँ जी थाउजेंड मांग रहे हैं, 3400 रुपये मांग रहे हैं, और उसके बावजूद भी कह रहे जी कन्फर्म नहीं गा। 3000 रुपया इन्होंने फार्मर नूं दिता है, मगर उन्होंने मिलना जाके बरेली च, तो साड़ी पब्लिक नूं अज ही मिलना शुरू हो गया, ओदे जेरे सम्राट है ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोगों की जेबों से आज ही निकलना शुरू हो गया, सर ये कह रहे हैं ना, मकसद ओदे सम्राट पब्लिक नूं चीलने पैने ने, हुण ओह पब्लिक नूं बर्दाश्त करना पैना है। साढ़े को लोग हुण 50,000 रुपये का आटा लैन आते हैं। आप अगर इनपुट अपनी दें गवर्नमेंट को अभी इस मौके पर, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए या क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए थी, वो आप क्या सुजेशन देंगे? सर देखो, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऐलान किया फार्मर से, मगर ओदा फायदा सानू नहीं सी मिलना, ये ओदा नुकसान जरूर मिलेगा कि लोगों को अज तो ही आटा जो है ना वो 112-115 रुपये च लैना शुरू कर देना है। फ्लोर मिल्स वाले जेड़े ने उन्होंने भी जरा अपने रेट मुकम्मल फुल रेट है ने असलियाना के, वो बावजूद आटा अवेलेबल नहीं गा। गवर्नमेंट नू चाहिए सी कि इन थोड़ा जहा डिले कर दा, कोई महीना 10 दिन कट लेंदे, थोड़ा जहा हालात अगे सलाब की वजह तो गंदम की वजह तो सारे मामला गड़बड़ होए गए ने, कोटे के बीच हर शहर के बीच आटे का रफड़ है, तुम इस टाइम पर है, और सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपया रेट किया, सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपया रखा रेट गंदम का, नई फसल के लेने का। उधर आम बंदा कैसे किलो खरीदेगा, उत्थे की भाव हो जाएगा, उन्हें 220 पे चला जाएगा, ठीक है जी। ये रात ओ टीवी चैनल से आए गए सी, एक ढे भरा गए ने, अच्छा रख दिन भी सिंध दे, कहते 4000 रुपया तुम ज्यादा रेट रख दिता है, तो आटा की भाव असी लागे हूँ। ये सिंध गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, आप कह रहे हैं सर ने यकदम नहीं, रेलिवेंट ने, अच्छा सर नहीं गया, तुसी अप्रैल में अनाउंस करते और बात है। सर तुसी जिम्मेदार नु ओदे बिजली दे सब्सिडी दे दियो, ओनो दे पानी दे सब्सिडी दे दियो, ओदियां खादां दे सब्सिडी दे दियो, ओदे बीजां दे सब्सिडी दे दियो, इसका इनिशियल फायदा फ्लोर मिल्स को होगा। इंडिया जगह है, इंडिया दा तुसी रेट दे, जिस तरह शहबाज शरीफ सी ओने 10 साल आटे दा रेट स्टिल रखे है 48-50 साडा चक्की दा रेट, यह हमने भी खबर चलती पी सी कि 2018 के 40 रुपये किलो से आटा, 2018 जो 4 साल आटा 125 रुपये तक बिक रहे हैं, 200 गुना बढ़ के तकरीब। सर हमने मैं सुन के आया, तो एने जी ताड़ी भी वैल आ गई, मैं ताड़े वाल आ गया, मैं वो सुनना मैं गया लगा रहा बुत तरह, उन्हें कहा 2018 के 40 रुपये किलो आटा बिकता सी चक्की दे, कहिंदा वो अज 125 रुपये किलो आटा, तो सिंध गौर हाँ जी तुसी सवाल कीता कि जी गौरमेंट नूं की करना चाहिदा सी कि जिहदा एकदम रफड़ना पैंदा। गौरमेंट सर जिमीदार नूं किसान नूं स्पैशली छोटे छोटे किसान नूं उन सबसिडी देंदी, उहदी बिजली दे सबसिडी देंदी, उहनूं जिहड़ी ज़रियत वी आ तां उहदे ते दे देवे, खादां दे दे देवे। देखो ना लास्ट फसल जी 10-10 हज़ार रुपये की बोरी बिकी है खाद की, तो वो बावजूद खाद नहीं सी मिल रही, ए नुकसान आते गए जे, एदा बड़ा वड्डा नुकसान जे इस ऐलान का, लोगों ने आटे नूं तरसना जे। तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इस विफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो उनके 3.5 साल और ये सारा जो लेके चल रहे हैं, क्या बुनियादी फ़र्क आपको नज़र आया? सर जी तरीके इंसाफ की पॉलिसी सी या एना दी पॉलिसी जी है, मैं तुहानू मोटी जी मिसाल दिती है कि 2018 दे विच आटा हैगा सी जी 40 रुपये किलो, ठीक है जी, तो जिस दिन ए आए ने तरीके इंसाफ वाले जड़े रहे ने, ये तकरीबन 90 रुपये किलो तक आटा बिक गया सी, तकरीबन मेरा ख्याल 90-95 रुपये किलो तक आटा रहे है। उसके बाद जेरे मामला दी इस तरह के बन गए ने कि वो तो तरीके इंसाफ की सर पॉलिसी है कि सी 3.5 साल देखो ना 9 साल हो गए उन्होंने KPK च, KPK के वजीर कहते हैं जी कि असी किट नहीं ला सके इतने,
साढ़े तीन साल उन्होंने वफा की जो है उन्होंने दसो कोई मेजर पॉलिसी कोई मामला कोई रोला रोले रोले गोले जी साढ़े तीन साल लंघ गए ने उन्होंने तो ये तो जदों के आए ने लगे गए ने पब्लिक समझती भी पई है समझ की कोशिश भी कर रही है कि की मामला दे गए ने देखो ना IMF ने कन्फर्म थानू रिपोर्ट दे दी है कि अज पाकिस्तान जो कुछ भी है तरीके इंसाफ दियाँ गलत पॉलिसिया की वजह तो है और लोग अगे भी भुगतन गए। एक पाकिस्तान के हमारे हिसाब से आइडियल पॉलिसी गंदम को लेके क्या होनी चाहिए? जिम्मेदार अनुसार वो घर सारी फैसिलिटी दे क्या मतलब फैसिलिटी दे सबसिडाइज जरियत भी याद दो सबसिडाइज खादा दो तुसी बजाय एज ए कि मखसूस तबके सबसिडी के ना तो उन्होंने भर देंगे हो तुसी एक मखसूस तब हमारी जरी पॉलिसी इंडिया के मुकाबले में कितनी पीछे है? बहुत पीछे है सर बहुत पीछे है। अज मैं तुम दस रहा मैं एक प्रोग्राम देख रहा था वो लड़का एक बैठा है दिल्ली जी कि एक महल के बीच बैठा दो चार बुढ़िया थड़े से बैठिया ही हैं वो उन्होंने पूछता बाजी तुम बिल कि आता है वो कुड़ी औरत कहती है जी सू 200 यूनिट तक माफ़ी की है कहना माफ़ी की है उन्हें कहा बिल लियाओ बिल लिया के दिखाए उन्हें अपनी बेटी ने आवाज़ दी बिल बिल लेके आए और 200 यूनिट तक फ्री सी तो उन्हें कहा जी 200 यूनिट से ऊपर उन्हें कहा जी 200 यूनिट से ऊपर सानू रुपये के बीच ही बिल आता है तो उसने पूछा जी पानी का बिल कहती है 20,000 लीटर तक पानी सानू फ्री है 20,000 लीटर तक सानू पानी का बिल नहीं आता किसान सर जरियत भी आद सारे सर ओवरऑल सारे वह फायदा होएगा छोटे फार्मर भी वे फार्मर भी मगर जिसल तुम सबसिडाइज आटा देंगे हो ना तो एक मखसूस तबके के पेट ही चीज़ आता जी सबसिडी का सम्राट आवाम को नहीं मिलता नहीं सर क्यों नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता पे आटा सबसिडाइज आटा आंदा है मिसाल के तौर पर स्टोर है जो 100 तोड़ा आ गया 100 बैग आ गया जी ठीक है उन्हें 20 बैग बेच देने 10 बैग मेरे बंदे का फोन जाएगा उन्हें मैं दे देने वो तो बेचारा फिर लैन ही लगा गया वो तो फिर लैन ही ये सबसिडी फिर क्यों होती है क्या सबसिडी नहीं हैगी इस तरह सबसिडी हैगी सी जी इन्होंने कहा 150 यूनिट तक असं बिल नहीं देंगे यह सबसिडी की सबको अक्रॉस द बोर्ड सबको फायदा हो गया सर पूरे पाकिस्तान में हो गया सबको फायदा हो हाँ जी है सबसिडी यह सबसिडी नहीं है अभी गंदम फिर इम्पोर्ट करेंगे सर वो तो उन्होंने मियाँ साहब ने स्टार्ट भी किया उसका क्या रेट होगा अंदाजन वो तो हूँ रेट का भी मैं सुने नीचे आ गया मुझे अंदाजा नहीं है मुझे नहीं अंदाजा वो तो मियाँ साहब ने कह दिया सी वो नहीं आप कह रहे इम्पोर्ट जल्दी कर लेंगे तो स्टेबल हो जाएगी मार्केट जल्दी करेंगे तो गल बननी जे नहीं तो ब्लैक ये जो है वो काम डाल देंगे सर आज काम शुरू है सर KPK इधर उधर सारा थ्रू आउट सारी रात वाले जाते हैं आटे के चेक पोस्ट ना चेक करो जाके आप लोगों को चाहिए चेक पोस्ट जाके चेक करें रात के 12 बजे 1 बजे आटा चेक करो ताकि कन्फर्म हो गए आटा नहीं जाना चाहिए बाहर जाना चाहिए जो लिखा पड़ा है जो तय शुदा है ना कि मिसाल के तौर पर लाहौर की जरूरत है जी 100 बैग तो लाहौर में 100 बैग दे दो हूँ लाहौर की जरूरत है 100 बैग तो लिखे पढ़े खाते तो बगैर ही नहीं तो मुझे ये बताएं कि लिखित पढ़त में भी तो मैनेज हो जाता है मैनूवर हो जाता है लिखित पढ़त करके भिजवा देते हैं फिर सर नहीं होता ना लिखित पढ़त देखो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट को कहती है जी हमें 1 लाख बोरी चाहिए वो दे देंगे ने 1 लाख बोरी मगर वो सब फिर क्यों जा रहे हैं फाइनली यही है जी शुभाष साहब कि जिमीदार सबसिडी दो साढ़े ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाएगी जिसलिए तुसी रेट ही नहीं बताना आप कह रहे हैं जो शहर से बाहर जा रहा है आटा वो लिखित पढ़त नहीं मोस्टली सर मोस्टली नहीं की सर है ही नहीं गैर कानूनी सर गैर कानूनी क्या पलंटी है इस तरह गैर कानूनी पकड़ा जाए तो क्या कोई पलंटी नहीं फिक्स नहीं कुछ भी साढ़े ऐसे ही जे कौन अप्रूवल देता है लिख के कौन भिजवाता है कि ले जाए सर वो जो चेक पोस्ट वाले फूड वाले नहीं फूड वाले ने अपना कोटा देता फूड वाले ने अपना कोटा दे दिया उसने आके करके ले जाते चेक भी कर लिया मिल पे चेक भी कर लिया ग्रैंड भी हो गया ओपन मार्केट तुसी उन्हें सवाल किया ओपन मार्केट आटे का कंटेनर देखते ही चेक पोस्ट वाले को क्या मांगना चाहिए उसे पेपर मांगने चाहिए क्या मांगना चाहिए वो कहेगा जी ऑर्डर है मेरे को मैंने उसे फ्लोर मिल तो ऑर्डर आया है मैंने परमिट आया है वो कहेगा मुझे परमिट आया है जबकि वो परमिट जा ही नहीं सकता सरकारी दस्तावेज कौन सी होनी चाहिए सरकारी दस्तावेज वो हो
वो जा ही नहीं सकता प्राइवेट, वो तो एनएलसी पे जाएगा। जो सरकारी गंदम है वो तो एनएलसी पे जाएगी। जो सरकार के अपने सिस्टम है उसमें पूरे कोटे होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, पूरे लेटर होते हैं, हर चीज़ बनी होती है। ऐसे नहीं है, यह बड़ा नुकसान हो रहा है। जो 3,000 रुपये मान इन्होंने कनक का रेट करके समझो कि पब्लिक नू अच्छा आटा खा तो महरूम करी जा रहे हैं। कितना आटा समगल हो रहा है इस तरह? ये तो स्मगलिंग के जमीन में आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, वो गैर सरकारी काम है वो तो स्मगलिंग आ गया। हजारों की तादाद में जा रहा होगा बैग, ये इसको रोका जाए तो उससे भी फायदा है। गंदम ऐसे होने बैग है 1500 का, 15 किलो, और पेशावर में डेफिनेट ये 2200-2300-2400 का होगा। एनू है रोकना चाहिए, नहीं रोकना एदा फाइनली यही है जे अगर तुसी पब्लिक नू अच्छा बनाना चाहते हो, पब्लिक नू सबसिडी देनी चाहते हो तो तुसी जिम्मेदार नू दो जड़ी कन्वर्ट टू पब्लिक होएगी। इस तरह रेट बढ़ाने से नहीं होगा, रेट बढ़ाने से नहीं है, जो चलता है थ्रू आउट दुनिया में चलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।